पोहा मेथी वड़ा। पहले हम मसाला पीसेंगे, इसके लिए 1 टीस्पून जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक और ग्रीन चिल्ली मिक्सी जार में ब्लेंड करेंगे। 2 टेबलस्पून रोस्टेड तिल, बेसन, वेजिटेबल्स, 1 बाउल पत्ता गोभी, 1 बाउल मेथी लीव्स, धनिया भी चाहिए खूब सारा, 1 बाउल मीडियम पोहा भी। पोहा को पहले हम 15 मिनट पानी में भिगो के रख के उसको स्ट्रेन करके निकाला है। मीडियम साइज पोहा डालने के बाद 1 बाउल मेथी लीव्स, रोस्टेड तिल, मसाला, पत्ता गोभी और धनिया डाल के, बेसन भी डाल के, नमक स्वादानुसार और थोड़ा पानी डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे। बेसन 1 कप काफ़ी है, अगर चाहिए तो थोड़ा और 2 टेबलस्पून और डाल सकते हो। लाल मिर्च भी डाला है और ग्रीन चिली भी डाला है, इसलिए तीखा भरपूर है। अच्छे से हाथ से सब कुछ बाइंड होना है। 20 मिनट रेस्ट देने के बाद हमारा पोहा फूल गया, हमारा वेजिटेबल्स पोहा और बेसन के साथ मसाला के साथ अच्छे से पकड़ लिया। ए रेस्ट 20 मिनट आप फ्रिज में भी रख सकते हो। वड़ा के शेप में गोल बना के निकालेंगे, जो भी पसंदीदा शेप में दे सकते हो। मैं इधर राउंड शेप में वड़ा बना रही हूँ। रोस्टेड तिल के साथ कोटिंग करके और स्वाद बढ़ता है, तो मैं कोट करके और 5 मिनट फ्रिज में रख रही हूँ, जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है। हमारा तेल गरम हो गया, दो वड़ा डाल के डीप फ्राई करके निकालेंगे। बहुत टेस्टी रहता है और इसमें खूब मसाला भी है और लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स है, तो ये वड़ा ऐसे भी खा सकते हैं प्लेन। अभी हमारा वड़ा तैयार है, टोमेटो सॉस के साथ या चटनी के साथ खा सकते हो। इसमें खूब वेजिटेबल है, इसलिए ये वड़ा प्लेन भी बहुत टेस्टी रहता है। सब लोग ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।